नागपुर जिले में जहां स्वाइन फ्लू का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, वहीं अब एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। स्क्रब टाइफस भी जिले में प्रवेश कर चुका है। जिले में स्क्रब टाइफस के 2 मरीजों का सरकारी चिकित्सा अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोंदिया में भी 2 मरीज सामने आने से चिंता बढ़ गई है। नागपुर में 24 घंटे के भीतर जिले में स्वाइन फ्लू के 20 नए मामले सामने आए हैं और स्क्रब टाइफस भी जिले में प्रवेश कर गया है। मेडिकल वार्ड में भर्ती 2 मरीजों में से एक कलमेश्वर और दूसरा नरखेड़ का है। विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा समय पर इलाज शुरू किए जाने के कारण दोनों की हालत स्थिर है। गोंदिया जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पुणे के स्वास्थ्य विभाग को दी गई जानकारी के अनुसार वहां 2 मरीज सामने आए। इनमें एक मरीज गोंदिया जिले का और दूसरा बालाघाट का है। इसी बीच जिले में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद से अचानक से स्क्रब टाइफस के मरीज फिर से उभर आए हैं। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।